केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना में भर्ती की अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष किया। रक्षा मंत्री बोले, भर्ती की तैयारी करें युवा। केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर रायपुर में गरीब कल्याण जनसभा। पूर्व मुख्यमंत्री बोले, 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। छत्तीसगढ़ में बढ़ी कोरोना संक्रमण की रफ्तार। बीते 24 घंटों में 75 नए मामले सामने आए। और खेलो इंडिया की नेशनल वेटलिफ्टिंग रैंकिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ की ज्ञानेश्वरी ने जीता सोना। अब जूनियर वर्ग में देश की नंबर 1 वेटलिफ्टर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं रेहाना। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती की अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष करने का फैसला किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पिछले 2 वर्षों में बहुत से युवाओं को सेना में शामिल होने का मौका नहीं मिल सका है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के तहत भर्ती में आयु सीमा को बढ़ाने का फैसला किया है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं, यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला, यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। रक्षा मंत्री ने कहा कि अग्निपथ योजना युवाओं के लिए सुरक्षा बल के साथ ही देश की सेवा करने का स्वर्णिम अवसर है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे सेना में भर्ती प्रक्रिया के लिए तैयारी शुरू कर दें। केंद्र सरकार ने सेना में भर्ती के लिए नई अग्निपथ योजना शुरू की है। इसके तहत 17.5 से 23 साल के युवाओं को 4 वर्षों के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा। इस घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ के लोगों में भी उत्साह देखा जा रहा है। कांकेर जिले में बहुत से अभिभावकों ने केंद्र सरकार की इस योजना का स्वागत किया है। सशस्त्र बलों के नियमित कैडर के तौर पर सेवा करने का अवसर प्रदान करती है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना बहुत ही शानदार योजना है। इसके तहत युवाओं को सेना में भर्ती होने का बहुत बढ़िया सुनहरा अवसर है। भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना में तीनों सेनाओं में भर्ती की बहुत ही बढ़िया केंद्र सरकार की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने योजना लाई है, जिसके तहत युवाओं को अच्छा रोजगार मिलेगा। और सभी जो कम उम्र के युवा है उनके लिए सबसे अच्छा पल है। जो नौसेना, जल सेना और थल सेना जाना चाहते हैं उनको बहुत ही अच्छा योजना मिली है। हमारा भी प्रयास था, लेकिन अब हमारी उम्र हो चुकी है तो हम इस जगह नहीं जा सकते। तो मैं उन सब युवाओं को बोलना चाहूँगा कि इसमें भर्ती हुए। जो युवा जल सेना, वायु सेना, थल सेना में जाना चाहते थे, जिनका सपना था वो जा नहीं पा रहे थे, लेकिन इस योजना से वो उसमें अब जा पाएंगे। और इच्छा मेरी भी थी, लेकिन अब मेरी उम्र हो चुकी है, इस कारण मैं ये चाहूँगा कि मेरे अगर बच्चे अगर इसमें जाना चाहें तो वो जा सकते हैं। जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग की भी इच्छा होती थी कि कभी देश सेवा के लिए सेना में शामिल हों, लेकिन उस समय अवसरों की भी कमी थी और पर्याप्त गाइडेंस भी नहीं मिल पाता था। ये एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर मिला है देश के युवाओं को रोजगार के साथ साथ अपने देश की सेवा करने के लिए। अभिभावकों का कहना है कि इस योजना से दूसरी सेवाओं में रुचि रखने वाले बच्चे भी सेना की ओर आकर्षित होंगे। सेना में 4 साल की सेवा पूरी कर वे अपनी मनपसंद का कैरियर चुन पाएंगे।
केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के 8 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने कल शाम रायपुर में गरीब कल्याण जनसभा का आयोजन किया। केंद्रीय जनजाति कार्य राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने कहा कि देश में नरेंद्र मोदी की सरकार आने से पहले एक नकारात्मक वातावरण था, युवा सपने देखना छोड़ चुका था, किसानों में हताशा थी। ऐसे समय में केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार आई जिसने सबका साथ सबका विकास हर वर्ग की उम्मीदों को पूरा करने का काम किया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस के 70 साल के शासन में गरीब पहले की तरह गरीब ही रहा, केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद ही गरीबों की चिंता की गई। सत्तर साल आजादी के शौचालय का निर्माण नहीं हुआ, 70 साल आजादी के बाद पीने के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था उनकी नहीं हो पाई, आज़ादी के 70 साल होने के बाद भी उनके लिए एक छोटा सा कुटी नहीं बन पाया, आवास नहीं बन पाया, उनके इलाज के लिए गंभीर रूप से बीमार हो जाए तो कोई ऐसी योजना जिसमें उनको इलाज हो सके, आयुष्मान भारत जैसे ऐसी कोई योजना बनाने का काम नहीं किया। मुश्किल काम ये था कि 70 साल के उस कमियों को 8 साल में पूरा करने का काम मोदी जी ने किया है। इन योजनाओं का उपयोग करते हुए किसानों के लिए आज 1,80,000 करोड़ रुपया किसान सम्मान निधि के रूप में 12 करोड़ किसानों को जो मिलता है 6,000 करोड़ रुपया, अभी तक 10 किस्त में 1,80,000 करोड़ रुपया की राशि दी जा चुकी है। राजधानी के इंडोर स्टेडियम में हुए जनसभा में भाजपा नेताओं ने कहा कि आने वाले चुनाव में वे लोग भाजपा सरकार के कामकाज और उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल रात राजधानी रायपुर के छत्तीसगढ़ पंडरी हाट बाजार परिसर में आयोजित 10 दिवसीय जगार 2022 मेले में पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने शिल्पकारों और बुनकरों की कलाकृतियों की सराहना करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। इस मेले में छत्तीसगढ़ सहित 12 राज्यों के शिल्पकारों एवं बुनकरों के विभिन्न उत्पाद के प्रदर्शन सह विक्रय के लिए 140 स्टॉल लगे हैं। जगार मेला 10 जून से शुरू हुआ है और 19 जून तक चलेगा। यह मेला कोरोना संक्रमण काल के कारण 2 वर्षों बाद लगा है, जिससे शिल्पकारों, बुनकरों और कलाकारों को अपनी कला के बेहतर प्रदर्शन का अवसर मिला है। जगार मेले में हस्तशिल्प के विभिन्न उत्पादों के साथ ही हथकरघा, खादी ग्रामोद्योग, माटी कला के अनेक आकर्षक उत्पादों की प्रदर्शनी बिक्री के लिए लगाई गई है। इन स्टॉलों में छत्तीसगढ़ के लिए कुल 80 स्टॉल आवंटित किए गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और जम्मू एवं कश्मीर के शिल्पकार 60 स्टॉलों में अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने कल कोरबा में जन सुनवाई की। इस दौरान महिलाओं की 35 शिकायतों को सुना गया। महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने बताया कि एक महाविद्यालय में महिला प्रोफेसर की शिकायत सामने आई है, जिसमें उन्होंने जूनियर को वरिष्ठता के पद देने की बात कही है। मामले में कॉलेज प्रबंधन में आंतरिक परिवार समिति का गठन नहीं किया गया है। डॉक्टर नायक ने कहा कि विशाखा कमेटी के निर्णय के बाद हर संस्थान जहां 10 या 10 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं, वहां आंतरिक परिवाद समिति गठित करना जरूरी है। कोरबा की हमारी सम्मानित सदस्य अर्चना जी के साथ में सीएसपी योगेश साहू की ड्यूटी सुनिश्चित की गई है कि एक महीने के अंदर एक सघन अभियान पूरे कोरबा जिले में चलाया जाए कि जो भी संस्थान, चाहे निजी हों, शासकीय हों, अर्धशासकीय हों, उद्योग हों, सिनेमा, टॉकीज, मॉल, जो भी हैं, जहां पर 10 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं, उन जगहों को सबको वो नोटिस दें, उनके विज्ञापन प्रचारित करें कि एक माह के अंदर सभी आंतरिक परिवाद समिति का गठन अनिवार्य रूप से करें। यदि नहीं किया जाता है तो एक महीने के बाद औचक निरीक्षण, छापामार कार्रवाई या जुर्माना की कार्रवाई आयोग के द्वारा किया जाएगा। महिला आयोग की अध्यक्ष ने कोरबा सीएसपी योगेश साहू और महिला आयोग की सदस्य अर्चना उपाध्यक्ष के नेतृत्व में सघन अभियान चलाने का निर्देश दिया है। इस सघन अभियान के जरिए सभी निजी, शासकीय और औद्योगिक संस्थानों में आंतरिक परिवाद समिति की जांच की जानी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 75 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर बढ़कर 1.12% तक पहुंच गई है। 10 दिन पहले तक संक्रमण दर 1% से नीचे हुआ करती थी। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 284 हो गई है। इसमें सबसे अधिक 101 मरीज रायपुर जिले में हैं।
राजनांदगांव में भी कोरोना संक्रमण के नए केस आने से वहां मरीजों की संख्या 9 हो गई है। राजनांदगांव कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने सभी से कोरोना रोधी वैक्सीन की बची हुई डोज लेने का आग्रह किया है। पिछले कुछ दिनों में पूरे देश में और प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ोतरी हुई है और हम लगातार सबसे अनुरोध कर रहे हैं कि जिनका सेकेंड डोज बचा हुआ है वो लगाएं। अभी भी बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जिनका सेकेंड डोज बचा हुआ है। इसके साथ साथ हमने अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कोविड के खिलाफ लड़ने का मजबूत किया है और कोई भी लहर आए जिला प्रशासन उसके लिए तैयार है, लेकिन सावधानी में ही सुरक्षा है। हम लोग सभी से आग्रह करते हैं कि जिनका डोज बचा है वो लोग शीघ्र अपना डोज। इस बीच देश भर में कोरोना संक्रमण के 12,847 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इसी अवधि में 7,985 लोग ठीक हुए। स्वस्थ होने की दर 98.64% है। इस समय 63,000 से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है। मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 195,84,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ की वेट लिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव ने बड़ा कारनामा कर दिखाया है। हिमाचल प्रदेश के नगरोटा में चल रहे नेशनल वेट लिफ्टिंग रैंकिंग चैंपियनशिप में सोना जीतकर ज्ञानेश्वरी 49 किलोग्राम भार वर्ग में देश की नंबर वन वेट लिफ्टर बन गई है। ज्ञानेश्वरी सीनियर वर्ग में भी मैदान में उतरी। वहां उसने टोक्यो ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट साखोम मीराबाई चानू को टक्कर दी। गुरुवार को खेले गए मुकाबले में सीनियर वर्ग में ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं छत्तीसगढ़ की ज्ञानेश्वरी यादव ने रजत पदक पर कब्जा किया। इसी भार वर्ग में जूनियर वर्ग की स्पर्धा में ज्ञानेश्वरी ने स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में ज्ञानेश्वरी यादव ने 164 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक हासिल किया था। आज़ादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी गोपा बंधु दास मणि मुंद्रा और प्रभावती नामदेव के बारे में। जून 1928 को निधन हुआ था। उनका अस्पृश्यता के खिलाफ धर्मयुद्ध, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन, साक्षरता, विशेष रूप से व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए अभियान और सबसे बढ़कर गरीबों तथा निराश्रितों के लिए उनकी करुणा ने उन्हें अमर कर दिया। गोपा बंधु दास का जन्म 9 अक्टूबर 1877 को ओडिशा में पुरी के निकट सुआंडो गांव में हुआ था। उन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से प्रेरित होकर 1909 में सखी गोपाल में सत्यवाड़ी हाई स्कूल की स्थापना की। इसका संचालन गैर सांप्रदायिक आधार पर उदार शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से गुरुकुल परंपरा के अनुरूप किया गया। गोपाबंधु 1920 में उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष बने और 1928 तक इस पद पर रहे। उन्होंने 1921 में प्रांत में गांधी जी का स्वागत किया। गोपाबंधु को 1922 में 2 वर्ष जेल की सजा सुनाई गई और गिरफ्तार कर लिया गया। वे अप्रैल 1928 में लोक सेवक मंडल के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष बने। लाहौर में एक सोसाइटी की बैठक में भाग लेने के दौरान वे बीमार हो गए और 17 जून 1928 को उनका निधन हो गया। इस महान विभूति को हमारा नमन। हम पंजाब के अमृतसर जिले के रहने वाले स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े मणि को भी याद करते हैं, जिनकी मृत्यु 17 जून 1919 को हुई थी। वे रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी के राष्ट्रव्यापी हड़ताल के आह्वान पर 6 अप्रैल 1919 को की गई हड़ताल में सक्रिय रूप से शामिल थे। मणि पर सार्जेंट रॉलेंट की हत्या का आरोप लगाया गया था। 17 जून 1919 को उन्हें फांसी दे दी गई। इस महान बलिदानी को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। हम मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली स्वतंत्रता सेनानी प्रभावती नामदेव को भी याद करते हैं। उन्होंने अप्रैल 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और कई अन्य महिलाओं को इसमें शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उन्हें गिरफ्तार कर जबलपुर जिला जेल में बंद कर दिया गया और वहां दी गई यातनाओं के कारण 17 जून 1932 को उनकी जेल में ही मृत्यु हो गई। आज हम रानी लक्ष्मीबाई की निकट सहयोगी मुंद्रा को भी याद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में झांसी की निवासी मुंद्रा 1857 में भारतीय स्वतंत्रता के पहले संग्राम में शामिल हुई और रानी लक्ष्मीबाई की कमान में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने झांसी और इसके आसपास के क्षेत्रों जैसे कुंच, कालपी और ग्वालियर से अंग्रेजों को खदेड़ने की कार्रवाइयों में भाग लिया।
हालांकि अंग्रेजों ने पलटवार किया और 1858 में झांसी पहुंचे। मुंद्रा ने ग्वालियर में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और 17 जून 1858 को ग्वालियर में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।